यदि आपको पहले से मौसम के बारे में जानकारी थी तो आप अल्टरनेट व्यवस्था आपने क्यों नहीं की, क्योंकि आपको तो भटिंडा से फिरोजपुर आपको हेलीकॉप्टर में जाना था, बाय रोड तो कंटेंजेंसी था, पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जो जानकारी दी गई उसे कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और हुसैनीवाला तीन जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन तीन जगहों में जो आवश्यक अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई थी, 20 आईपीएस लगे थे, 10,000 जवान लगे थे, तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हम बाय रोड जाएंगे और बाय रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-140 किलोमीटर बाय रोड गया, खुद भी कभी 140 मीटर गए। कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब कार्यक्रम में जाते वक्त कभी नहीं गए, और फिर एक कंटिंजेंसी था तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है? आपके आईबी सीबीआई आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने, जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे, आप कैंसिल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं, अभी कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं, जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है, पूरे प्रदेश पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, उसको आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता कि वो 700 लेकर इकट्ठा है, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपके गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं, सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसके पहले क्या प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे हैं? मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे 2017 में, आप जाम में नहीं फंसे थे? क्या दिल्ली में दो बार जाम में आप नहीं फंसे थे? तब आपके लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री भी आम नागरिक की तरह हैं। और आज वो तो
जो वहाँ किसान मजदूर यूनियन है, अब 2 घंटा चलने के बाद तो किसी को भी पता चल जाएगा, और वहाँ जगह जगह आंदोलन हो ही रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे हो रहे हैं, वो उठ के इधर आ गए। अब दूर में आप खड़े होके वापस आए, 15 मिनट ओवरब्रिज में खड़े थे, वापस आ गए, और उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है? इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी, आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आपके आप साफ होने वाले हैं, इस कारण से राजनीति कर रहे हैं।